उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों का दुरुपयोग ना हो सके, लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली। संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसका घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। गृह मंत्री का भार ढोने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है उसको हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में। गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि जब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है, जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारण के लिए वह यह असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं? जहां तक बागी नागाओं का सवाल है, जो भारत से पृथक होना चाहते हैं उनके साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है और संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके अंतर्गत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। अगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार संसद से मांगने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है, केवल सीमा प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष भारत में अब आधारभूत अधिकारों का उपयोग करने और उस पर आक्रमण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को वापस मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें। उपसभापति महोदय, मैं मानता हूं कि जब हम चुनकर आए थे तब यह शक था और जब मैं विदेश मंत्री बनाया गया तब यह शक और भी बढ़ा। यह इसलिए बढ़ा क्योंकि आप लोगों ने दुनिया में हमारी तस्वीर ऐसे पेश करके रखी थी जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने हमें बदनाम किया। सभापति महोदय, ये अरब और इजराइल के संघर्ष की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने या तो हमारे भाषण नहीं सुने और अगर सुने हैं तो याद नहीं रखे हैं। 1957 में जब अरब और इजराइल का संघर्ष हुआ था तो मेरी पार्टी, पुरानी पार्टी जो अब खत्म हो गई है, मिट गई है, जिसको हमने स्वाहा कर दिया है, उस पार्टी ने यह घोषणा की कि इजराइल को अरबों का सारा इलाका खाली करना पड़ेगा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, आक्रमण आक्रमण है, चाहे वह पश्चिम एशिया में हो और चाहे दुनिया के किसी भी भूखंड में हो, आक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता। इजराइल को वापस जाना होगा। इसके साथ ही हमने इजराइल से भी यह कहा था कि अपने को एशिया और अफ्रीका का देश समझना शुरू करे, अपने को यूरोप और अमेरिका का हिस्सा मत मानो। फिलिस्तीनी मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें भी सिर छिपाने की जगह चाहिए। सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों से बंधी हुई है। अरब मित्रों को कोई गलत फहमी नहीं है, अगर हमारे कांग्रेस के मित्र गलत फहमी पैदा ना करें तो।
लेकिन अगर वह गलत फहमी पैदा करेंगे तो यह पार्टी का नुकसान नहीं होगा, यह देश के लिए नुकसान की बात होगी। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि विदेश नीति का मामला ऐसा है जिस पर एक राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए। हो सकता है छोटी छोटी बातें आपस में बैठकर तय हो सकती हैं, जैसे बांग्लादेश का सवाल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगजीवन राम जी ने गंगा जल के वितरण के बारे में विस्तार में प्रकाश डाला है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इतना विश्वास रखिए। हम किसी के दबाव में आकर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। कलकत्ता के बंदरगाह की समृद्धि का सवाल हमारे सामने भी है, उनमें बातचीत करने में हम अपने हितों को भी ध्यान में रखेंगे। जब कोई चीज़ लादी जाती है तो उसका विरोध होता है, लेकिन संविधान सभा का निर्णय लादना नहीं है, संविधान का पालन करना लादना नहीं है।